हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बबीता विश्वकर्मा। आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो ये वाला मैं आज कुर्ता पहनी हूँ और जो मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे दिया था, तो कैसी लग रही प्लीज़ बताइएगा। और दिवाली आप लोगों की कैसी गई वो भी बताइएगा। और हमारी लग चुकी है नई वाली टीवी, आप देख सकते हो। इसकी सेटिंग अभी हमने करवा दी है सब दूसरे के हेल्प से। हमें अभी इतना नहीं समझ में आया था, बट अभी थोड़ा समझते समझते आएगा हम लोगों को। पर टीवी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ देख सकते हैं, स्मार्ट टीवी है। तो इसकी डिटेल मैं बाद में दूंगी, पर ये है कंपनी बीपीएल का है ना, टीवी जो है बीपीएल का है, 32 इंच का है और स्मार्ट टीवी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज कल तो दिवाली बीत गई, आज कितनी तारीख है, आज 25 तारीख है। अभी मैं आफ्टरनून से वीडियो बना रही हूँ, तो चलिए फिर घर पे कोई मेहमान आने वाले उनसे भी मिलूंगी मैं। यहाँ पे देखो अरे सब मेरे पास ही था भाड़ा, मैं नहीं गया। ये मेरे हस्बैंड जी के फ्रेंड है दीदी, अपना वीडियो देख लेना। हाँ देख लेना आप लोग। अरे कुछ बोलो, हैप्पी दिवाली वगैरह बोलो। हैप्पी दिवाली, हाय हाय बोलो बाबू। हाय नहीं बोलोगी, तुम नहीं बोलोगी, तुम्हें बोलना। हाय खाना नहीं, इनको तुम बोला नहीं, मैं तो बोला। मैं तो बीकानेर से पार्टी करूंगा, ऐसे खाना वाला भी ध्यान नहीं रहा। अच्छा जब मैं मिलूं 12 बजे दोपहर में तो इधर मेरे हस्बैंड जो है अपने फ्रेंड से 20 साल बाद मिले थे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी बचपन की बातें की, तो मुझे भी उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पे जो है शाम का समय हो गया, तो मैं बैठ गई रंगोली बनाने के लिए। तो मैं आज एक हेल्प ले रही हूँ एक लड़की की जो हमारे बगल में रहती है, काफ़ी सुंदर सा वो रंगोली बनाती। तो मैंने बोला आज प्लीज़ तुम भी बना दो मेरे साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। ये मैंने बनाया और जो वो बना रही उसने बनाया, तो फटाफट रंगोली बन गई क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो मॉर्निंग से लेकर नाइट की रूटीन फ्रेंड बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। तो आप देख सकते हो आपको रंगोली कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी प्यारी सी नई टीवी, और आज मैंने ये लिया है चूड़ा, आप देख सकते हो। ये आज मैंने मॉर्निंग में ख़रीदा, हमारे यहाँ बेचने के लिए आए थे तो हम सारी लेडीज़ों ने ये चूड़ा ख़रीदा, और ये चूड़ा मुझे 200 में मिला है और हम सभी लोग ने लिया। बहुत ही प्यारा कलर है, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। तो ये चूड़ा मैंने ले लिया है, अभी रंगोली भी बन चुकी है, टाइमिंग हो रहे हैं 5:30 बज गए, रंगोली बन गई है। अभी चाय वगैरह भी बनाना है, तो थोड़ा टाइम रुक के फिर चाय बनाऊंगी। और दिवाली हमारा बहुत अच्छे से गया, और हमारा प्यारा सा टीवी एक हमारे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि हमारी पिछली जो पहले की टीवी थी वो बिगड़ गई थी, इसके लिए हमने नया लिया। और ये मतलब स्मार्ट टीवी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई चीज़ नई घर पे आती ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो धनतेरस में हमने ये सारी चीज़ें खरीदी थी, और धनतेरस के एक दिन बाद जो है हमने ये टीवी बुकिंग की, और लक्ष्मी पूजन के दिन ये टीवी जो आई है। सॉरी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा शोर हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं बाहर, गेम खेलना ये सब कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ जब शाम के चाय नाश्ते पे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को डायरेक्ट मैं नेक्स्ट डे पे मिल रही हूँ, और क्यों मिल रही हूँ वो भी बता दूँ। मेरी तबीयत जो है आज मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कल जो रात को था मौसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और आज मेरी तो उसके लिए वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय, और अभी मुझे रंगोली निकालना भी बाकी है, तो मैं सोच रही पहले चाय पी लूँ। और आप देख सकते हो सुबह से मैं ना सिर्फ सोई हूँ, घर के काम करके सिर्फ सोई हूँ, आराम की हूँ, अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मेरा। तो अभी तो खाना ना बना के मैं जल्दी से सो जाऊँगी। वैसे भी मम्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है, समझती हैं वो हर तकलीफ, तो ये नहीं होता है मुझे। एक तो त्यौहार में इतने ज़्यादा काम पड़ गए, और उसकी वजह से ना पूरा बॉडी पेन कर रहा है। और मौसी अभी ठीक है, कल से दवा लेकर आया है तो एकदम ठीक है। बच्चे बाहर मस्ती कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अभी चाय वाय पी के बाल वगैरह बांधूंगी, रेडी हो जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा फ्रेश अच्छा लगेगा थोड़ा,
तो ऐसे उदासी उदासी चेहरा लगेगा। तो यहाँ पे मैं अदरक कुच रही हूँ, चाय बना रही हूँ, तो आपको आवाज आ रही होगी। आप सोच रही हूँ ये क्या कर रही है करके, तो रंगोली बनाती हूँ उसके बाद आप लोगों से देखती हूँ। फ्रेंड मैं आप लोगों को मिल रही हूँ दो दिन के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे थोड़ा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा उठाऊँ और कुछ शूट करूँ। अभी आज तो मैं थोड़ी ठीक हूँ, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, थोड़ी ठीक हूँ। और आज मैं पूरा दिन जो है सिर्फ सोई सोई रह गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, अभी क्या कर सकते हैं। और मैंने बोला ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मतलब जैसे कि इसका एंड ही नहीं कर पा रही। सोची थी थोड़ा थोड़ा कुछ शूट करूँगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैमरा उठाने का थोड़ा भी दिल नहीं था तो नहीं उठा पाई। अभी हमारा डिनर हो चुका है और अभी हम जो है अपने रूम में आ गए सोने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो का यहीं पे एंड करूं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही छोटा देखने मिलेगा, क्योंकि अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कंटिन्यू इस वीडियो को करूं। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा। आप लोगों को मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम ये हूँ, क्या कर सकते हैं। और अभी सब लोग नीचे टीवी देख रहे हैं और मैं जो है अपने रूम में आ गई हूँ सोने के लिए। तो मैंने सोचा वीडियो का यही पेंड करूँ और आप लोगों को मिलूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों की दिवाली कैसी गई प्लीज़ बताना। अभी जो है छठ पूजा आ गया, संडे को छठ पूजा है, तो बहुत जगह पे होता है छठ पूजा। हमारे यहाँ तो नहीं होते, हमारे घर में खानदान में कोई नहीं रखता है, तो इसके लिए हम लोग नहीं रखते। बट हमारी जो मौसी आई उनकी बड़ी बहू रखती हैं छठ पूजा, बट अभी उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो जिसकी वजह से वो लोग इस साल खड़े ही उपवास बोलते हैं। जैसे छठ पूजा में जो पानी में लेके सूप में खड़े रहते हैं ना, वो नहीं करेंगे, वैसे ही खड़े उपवास रखेंगे। क्योंकि हमारी जो मौसी के जेठ जी हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो अभी तक सवा महीना हुआ नहीं है, तो इसके लिए खड़े ही उपवास रखेंगे। तो ये सब है फ्रेंड। और आप लोगों के यहाँ छठ पूजा किस तरह होगा, क्या है बताना। अभी देखो मैं जा पाती हूँ कि नहीं छठ पूजा में, क्योंकि अभी कोई है नहीं यहाँ पे। भाभी थी तो उनके हम जाते थे। आप लोग अगर मेरा पिछले साल का वीडियो देखे होंगे तो मैं छठ पूजा का आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस समय तो लॉकडाउन था, अभी तो सब लॉकडाउन हट गया, तो इस साल तो बहुत हर त्यौहार धूम धमाके से सब ने मनाया है। और अभी छठ पूजा रहेगा, वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो बहुत मन्नतों से, बहुत कष्ट से बोलते हैं ना इंसान छठ पूजा करता है। और मैं तो बोलती था लोगों का तीन दिन से उपवास रहता है, मतलब छठ पूजा तो संडे को है, अभी कल से उनका व्रत शुरू हो जाएगा। तो एक एक दिन कुछ खाया जाता है। हमारी जो ऊपर की महल्ले वाली, वो भी बिहार की हैं, तो उनके यहाँ बहुत ही माना जाता है और उनके घर में सभी लोग करते हैं, तो सिर्फ भाभी नहीं करती हैं, बाकी सभी लोग करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे से करते हैं, तो बहुत नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती तो अच्छा लगता है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करती हूँ, आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।